मुंबई पुलिस पासपोर्ट पर रिलीजन देख के गोली नहीं चलाती, क्रिमिनल रिकॉर्ड देख के ठोकती है। सूर्यवंशी, हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटिंग वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, सूर्यवंशी को लेके एक बहुत बड़ी खबर आ रही है बॉलीवुड के गलियारों से। दोस्तों, गुलशन ग्रोवर, जी हाँ दोस्तों, बोले तो बैड बॉयज, जी हाँ दोस्तों, एक वक्त था जो बोले तो 19 में ढेर सारी फिल्में की उन्होंने, और हर फिल्म में बोले तो विलेन का कैरेक्टर, बोले तो उनके जैसा विलेन उस दौर में कोई था ही नहीं। मतलब कि जो भी रोल उनको मिलता था विलेन का ही रोल मिलता था। लेकिन दोस्तों, उन्होंने ट्वीट्स करके ये जानकारी दिया है कि रणवीर सिंह, जी हाँ दोस्तों, आपको इस मूवी में रणवीर सिंह भी दिखेंगे सिम्बा के कैरेक्टर में। तो उन्होंने तारीफ किया है गुलशन ग्रोवर का रोल का, कि आपको एक बार फिर से बैड बॉय देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, गुलशन ग्रोवर का वो कैरेक्टर जो 19 में आपको देखने को मिलता था ना स्क्रीन में, किस तरह से वो बोले तो विलन का रोल करते थे, किस तरह से वो डेंजरस लुक में आते थे, आपको याद ही होगा मोहरा, फिर बोले तो खिलाड़ियों का खिलाड़ी, अक्षय कुमार के साथ उन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं जिसमें विलन का काम किया उन्होंने। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने ये भी कहा है कि एक सीन्स ऐसे हैं इस मूवी में सूर्यवंशी में जहाँ पे अक्षय कुमार और गुलशन ग्रोवर स्क्रीन पे हैं, और वो जो सीन है ना, बोले तो ऑडियंस को बहुत पसंद आने वाली। मतलब गुलशन ग्रोवर को एक बार आपको ना वो बैड बॉय का कैरेक्टर में दिखने वाले हैं, वो जो आपको ना बोले तो गुस्सा दिलाने वाला, जी हाँ दोस्तों, और कैरेक्टर दिखने वाला। बोले तो सूर्यवंशी एक मच अवेटेड मूवी है दोस्तों। अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणवीर सिंह, कैटरीना कैफ, गुलशन ग्रोवर, जैकी श्रॉफ, बोले तो जावेद जाफरी, मतलब कि मच अवेटेड बोल सकते हैं, मल्टी स्टारर मूवी है यार। मतलब कि ये मूवी ना जब भी आएगी ना स्क्रीन पर फाड़ के जाएगी। मतलब कि इसका जो क्रेज और जो बज है ना आज भी बोले तो ऑडियंस के बीच धमाके तरीके से। दोस्तों, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा आप दोस्तों, ये न्यूज़ सुनने के बाद ना बोले तो दिल गार्डन गार्डन हो गया, और शायद आप लोगों का भी ना दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो बस भाई इतना ही। आप लोग कितना एक्साइटेड हो सूर्यवंशी को लेकर, और कब तक ये मूवी रिलीज होगी ये तो मैं भी नहीं बता सकता, ना अक्षय कुमार बता सकते हैं, ये तो सिर्फ प्रोड्यूसर और मेकर्स ही बता सकते हैं। तो बस भाई इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।